इन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, कल 27 जुलाई 2024 को क्लास 6 का गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे बच्चा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए होंगे तो आप सभी भाई बहन और जितने भी यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दे रखा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलेंगे, आपको चीज़ों को समझते चलना है। आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी इस प्रकार का चार विकल्प दे रखा है। आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, सभी में गिनना है कि अंक कितना है। देखिए 3 1 2 3 1 3 इस प्रकार लिख रखा है। आप इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। इस तरह सभी में देखेंगे तो 6 अंक है। बात बन गई सर, यदि सभी में अंक समान है तो केवल पहला अंक मिलाइए। इसका पहला अंक 3 है, इसका पहला अंक 1 है, इसका पहला अंक 1 है, इसका पहला अंक 4 है। अब हमें सबसे छोटी पूछ रखा है, तो इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है। एक और एक, ये दोनों छोटा है, तो ए और डी ऑप्शन पहले ही कट गया। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में मिलाइए, शुरू में एक, फिर दो, फिर तीन, 1 2 3, ये तीनों मिल गया है। फिर चौथा में इसमें दे रखा 1, इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहाँ तक तो सेम आ रहा है। लेकिन यदि हम आगे देखें तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी दोनों में जो संख्या है वो बराबर दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन बी भी टिक कर दो, ऑप्शन सी भी टिक कर दो, दोनों सही होगा। जनरली इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा तो यहाँ पर डिजिट चेंज होगा, ये क्वेश्चन में टाइपिंग हो सकता है, या तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो चीज़ों को आपको समझना है, इस प्रकार से आप सही कीजिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। हमें वही पिछले वाला तरीके से ही करना है, पहले अंकों को गिनोगे, 1 2 3 1 2, 5 अंक दे रखे हैं, सभी में 5 अंक ही हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे शुरू का अंक लेना है, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 3, इसमें भी 1। हमें सबसे बड़ा पूछ रखा है, सबसे बड़ा 3 होता है, 3 ऑप्शन नंबर सी में, हमें तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, 231 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। देखिए बच्चा, दो चीज़ें होती है, एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्तक मतलब होता है पहले की संख्या। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पहले की संख्या जब भी पूछे तो वहाँ पे पहले की संख्या नहीं पूछेगा, लिखेगा कि इसके पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, और एक दूसरा होता है परिवर्ती, दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए। परिवर्ती मतलब होता है बाद की संख्या, क्या होता है, बाद की संख्या को बोलते हैं परिवर्ती। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न अब बन गया, 231 उसके पहले की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, 231 उसके आपको पहले की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर विकल्पों में आप एक और विकल्प जोड़ दीजिए, 230। तो यहाँ पे दे रखा है विकल्प 331, 122, 232, 239। सही उत्तर यहाँ पर ई हो जाएगा, 230, क्योंकि 230 पूर्ववर्ती संख्या है 231 का। दे रखा चौथा प्रश्न, संख्या 32 को रोमन पद्धति में लिखिए। कितने बच्चों को रोमन अंक लिखना आता है, 1 से लेकर के 100 तक, आप सीख लीजिए बच्चा। यहाँ पर यह 10 का साइन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 20 का साइन है, ये 30 का साइन है, और 2 को ऐसे लिखते हैं, 1 2। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा रोमन संख्या 32, सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, संख्या 432 का परिवर्ती संख्या क्या होगा। बिल्कुल, मैंने अभी इसके बारे में बताया, परिवर्ती मतलब होता है बाद वाली संख्या। तो 432 के बाद क्या होगा, यदि नहीं आता है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 432 है, इसमें 1 ऐसे जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3,
433 होगा सर, 433 विकल्प संख्या 3 में दे रखा है। क्लियर है? छठा प्रश्न, 3 × 5 × 4 बराबर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न बीच में प्लस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे प्रश्न में टाइपिंग है, मैं एक बार बात करूँगा सर से, टाइपिंग मिस्टेक क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार दे रखा है, 3 × 5 × 4। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रेकेट वाले को हल करना है। 3 × 5 है ना, तो 5 और 3 को जोड़िए, 5 और 3 8 हो गए। उसके बाद बाहर वाला जो भी दे रखा है उसको कीजिए, बाहर में गुना दे रखा है तो गुना 4 कर देंगे। 8 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 32। 32 दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, बी विकल्प सही होगा। हाँ साथियों, इसका PDF आप डाउनलोड करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। 7वां प्रश्न दे रखा है, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? बिल्कुल सही, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी बच्चों को आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताते चलता हूँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। एक, यदि इसके पीछे 1 0 लगा दें, यह हो गया 10। 2 0 लगा दें, 20 हो गया। 3 0 लगा दें, 1000। 4 0 10,000। 5 0 1 लाख। 6 0 10 लाख। 7 0 1 करोड़। तो हमें सिर्फ पूछना था 5 0 1 लाख तक, यानी 1 लाख में 5 0 होते हैं, 5 शून्य होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। 8वां प्रश्न, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अंक और संख्या में अंतर होता है बच्चा, देखिए जितने भी संख्याएं हैं वो अंकों से मिलकर बनी होती है। अंक क्या होते हैं, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ 0 से लेकर के 9 तक ये सभी अंक हैं। यदि हमें इसमें से सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक यदि हम 0 लिख देंगे, तब यहाँ पर 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक 1 उठाएंगे। अब इसके पीछे 2 0 लगा देंगे, यहाँ हो गया 100। 100 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक है 9। 4 अंक होना चाहिए तो 9 4 बार लिख दीजिए, 9 9 9 9, यानी 4 × 9 होगा 9999। इसको पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रोमन संख्या नहीं है? ठीक है, दे रखा है, हमें बताना इनमें से कौन रोमन संख्या नहीं है। देखिए यह 10 का होता है, ये बिल्कुल है, ये 20 का होता है, ये 30 का होता है, लेकिन इतना बड़ा ये किसी का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक होता है 30 तक, 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, लेकिन ये जो है इतना बार x नहीं जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, 3, अच्छा इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के रूप में लिख रखा है। देखिए इस प्रकार आएगा ना, तो आप कोमा को ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो पीछे से 3 अंकों के पहले कोमा, फिर 3 अंकों के पहले कोमा, और जितना आगे बचेगा उसको लिख देना। शुरू में कितना आया, 3, तो 3 मिलियन, फिर 567 है तो 567,000, और लास्ट में 698 तो 698 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हमें लिख रखा है, 34, 22, 12 संख्या का भारतीय पद्धति में नाम लिखिए। देखिए भारतीय पद्धति में आएगा तो पहले संख्या को उतारिए, 34, 22 और 12, पहले 3 अंकों के पहले कोमा, फिर 2 अंकों के पहले कोमा, इस प्रकार भारतीय में चलता है। इसमें होगा 342,212, लिख लेंगे 342,212। दे रखा है 32,321 को प्रसारित रूप में लिखिए, तो लिखिए पहले लिखेंगे 3, 3 के पीछे कितने अंक हैं, 4 अंक, तो 3 के पीछे 4 0 लगा देंगे, प्लस
दो लिखेंगे, उसके बाद वाला अंक उसके पीछे 3 0, प्लस 3 फिर 2 0, प्लस 2 फिर 1 0, प्लस 1, इस प्रकार लिखना है। यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है उसे हम आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा है 21, और फिर 38, फिर 48, फिर 212 हो जाएगा, सजा लीजिए। हमें इसे अवरोही क्रम में सजाना है अगले वाला को, अगला वाला मतलब 15 प्रश्न को। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा 212, फिर 55 उससे छोटा, फिर उससे छोटा 52, और अंतिम में 23 सबसे छोटा। ठीक है, तो ये था आपके प्रश्न में आने वाले, आपके परीक्षा में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।